हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट, उन सब के लिए कुछ पॉजिटिव न्यूज़, कुछ अच्छी खबर निकल कर आई है। JYT 817, JYT पोस्ट कोड 939 और JVT वर्सेज BEd मामले पर, और साथ में जो NTT की भर्ती होने वाली है उसके ऊपर भी, इन सभी भर्तियों के ऊपर जो है कुछ पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आई है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम वो देखेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। के आगे जो है वो JBT नियुक्ति पर फैसले की बात बताते हैं। पिछले कल भी हमने आपको अपडेट यहां पर दिया था कि कैबिनेट में जैसे ही JBT का केस जो है वो डिस्कस हुआ, उसके बाद सरकार, क्योंकि ये चुनावी समय है और भर्तियों को सरकार रोकना नहीं चाहती है, इसके मद्देनजर जो है वो पिछले कल भी यही सहमति बनी थी कि अब जो है वो हाईकोर्ट अगर ये परमिशन दे देता है कि अगर JBT का रिजल्ट जो है वो JBT को नियुक्ति जो है वो दे दी जाए और BEd के जितने भी मेरिट पर आने वाले छात्र है उनको होल्ड में रखा जाए, लेकिन अगर इस पर भी बात नहीं बनती है तो हाईकोर्ट से परमिशन ली जाएगी कि वो दोनों को ही इसमें कंसीडर कर देंगे और दोनों ही भर्तियां जो है वो नियुक्तियों का प्रोसेस जो है वो JBT में कर लिया जाएगा। तो इसको लेकर जो है वो आज मुख्य सचिव राम सुबत से हमारी बात हुई इस मैटर को लेकर कि आखिर जो है, क्योंकि JBT के अभ्यर्थी बहुत सारे ऐसे हैं जिनके सवाल जहन में बहुत सारे हैं, तो उन्हीं के सवालों को लेकर आज हम वहां गए थे। हमने पूछा था कि JBT भर्ती को लेकर जो है वो सरकार आखिर करना क्या चाह रही है, क्या दोनों इसमें JBT और BEd क्या दोनों को नियुक्ति दी जाएगी या फिर केवल जो है वो JBT को नियुक्ति दी जाएगी। तो इस पर जो है वो साफ तौर पर CS ने कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने एडवोकेट जनरल को आज निर्देश जारी कर दिए हैं और कहा है कि इसमें यहां पर हाईकोर्ट से ये परमिशन मांगी जाए कि हमें JBT की नियुक्ति करनी है, चाहे उसमें BEd को ही कंसीडर क्यों ना करना पड़े, और अगर हाईकोर्ट परमिशन दे देती है तो पहले स्टैंड सरकार का यही है कि इस भर्ती में पहले JBT को जो है वो तवज्जो दी जाए और JBT को सबसे पहले नियुक्ति दी जाए, लेकिन अगर फिर बात नहीं बनती है तो ऐसे में BEd को भी कंसीडर करने के लिए सरकार अब मान चुकी है, क्योंकि इस चुनावी साल में जो है अब और भर्तियों को रोका नहीं जा सकता, तो इसलिए अब ये प्रपोजल एडवोकेट जनरल को भेज दिया गया है और निर्देश दे दिए गए हैं कि वो जल्द हाईकोर्ट से परमिशन ले और इस भर्तियों के प्रोसेस को जो है वो नियुक्तियों के प्रोसेस को शुरू करना है। तो यहां पर JBT भर्ती का जो मामला है इस पर कुछ ही दिनों में एक बार फिर से अपडेट हो जाएगा कि आगे क्या डिसीजन हाईकोर्ट लेता है, लेकिन सरकार जो है अब वो दोनों ही विकल्प को लेकर चली है, दोनों ही विकल्प जो है वो इसमें यहां पर माने जाएंगे सरकार की ओर से, चाहे उसमें BEd को भी कंसिडर क्यों ना करना पड़े, लेकिन उसमें जरूर जितने भी JBT के टैट पास अभ्यर्थी है वो ये जरूर समझे, जो कमीशन की ओर से रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि BEd के जितने भी छात्रों ने JBT भर्ती में हिस्सा लिया था उसमें से केवल 35 और 36 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो मेरिट में आए हैं, लेकिन उसमें से भी, यानी कि 35 अभ्यर्थियों में से भी बहुत ही कम ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने टैट पास किया है, यानी कि वो JBT के लिए क्वालिफाई है। तो यहां पर इस मैटर को सुलझाना सरकार के लिए बहुत आसान हो चुका है, क्योंकि सरकार ने तमाम सभी रास्तों को बंद कर दिया है और किसी भी तरह जो है वो सरकार इन भर्तियों को शुरू करना चाहती है। और अब बात आती है यहां पर JOA 817 पर, क्योंकि JOA 817 की अपडेट देना भी आपको बहुत जरूरी है, चाहे वो जैसी भी अपडेट हो लेकिन जरूर हम आपको देंगे अंत तक, क्योंकि सरकार पर लगातार जो दबाव है वो अभ्यर्थियों द्वारा भी बनाया जा रहा है और बनाया भी क्यों ना जाए, अभ्यर्थी 3 से 4 साल से यहां पर इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब जो है वो सरकार JOA 817 को नियुक्ति देगी। तो इसमें यहां पर आज मुख्य सचिव से इस मैटर को लेकर भी हमारी बात हुई, तो उनका दो टूक कहना था कि आज जो है वो उन्होंने कमीशन को ये निर्देश दे दिए हैं कि JOA 817 के 1337 जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका रिजल्ट घोषित करें और उनकी नियुक्तियों का जो प्रोसेस है वो पूरा किया जाए। तो अब जो है वो यहां पर JOA 817 के अभ्यर्थियों के लिए जरूर अच्छी खबर है, क्योंकि लंबे समय से रिजल्ट को लेकर जो है वो बात चल रही थी, मैटर कोर्ट में है, सरकार के पास लीगली नोटिस जो है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से वो 556 के एडवोकेट की ओर से मिले और उसमें कहा गया कि आप JOA 817 की भर्ती को
छेड़ नहीं सकते हैं क्योंकि ये कोर्ट मैटर में चल रहा है। लेकिन बावजूद इसके जो है वो कार्मिक विभाग के अधिकारियों ने भी सरकार से यहां पर आग्रह किया और कहा, उनको अवगत करवाया कि जो 817 की जो 1867 पोस्टें हैं उसमें से 1337 पोस्टों को अगर हम निकाल लें तो ये पोस्टें जो है वो कोर्ट में नहीं है और इसमें 530 पोस्टें जो है वो जरूर कोर्ट मैटर में है। तो ऐसे में यहां पर कार्मिक विभाग के अधिकारियों ने सरकार को सुझाव दिया कि अगर हम अभी फिलहाल 1337 का रिजल्ट निकाल देते हैं तो कोई भी यहां पर लिटिगेशन का मामला नहीं होगा, तो इसलिए हमें इससे प्रोसेस शुरू करना होगा। और यही वजह है कि आज यहां पर सीएस ने जो हमें कहा कि कमीशन को अब हमने कह दिया है और कमीशन जो है वो प्रोसेस पूरा करेगा, 1337 जो पोस्टें हैं जीओए की उनका रिजल्ट निकालेगा और वो जो काउंट है वो यहां पर एक से लेकर जितनी भी यहां पर काउंट वाइज 1337 है वहां तक ये मैरिट निकाली जाएगी और उसके बाद जो है वो जरूर जीओएआईटी के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए एक अच्छे संकेत मिल रहे हैं। क्योंकि चाहे हालांकि हमेशा से एक पक्ष जरूर रहा है 817 के बच्चों का कि उनकी पोस्टें जो है वो बिल्कुल भी कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें नहीं बताया गया था जब एडवर्टीज हुई थी कि 530 पोस्टें जो है वो उसमें 556 की है। लेकिन बाद में जिस तरह से छात्रों को जब पता चला तो वो बहुत गुस्सा भी सरकार से हुए। लेकिन बावजूद इसके जो है वो सरकार का स्टैंड भी अंत तक ये रहा कि इसमें से पोस्टों को कम नहीं किया जाएगा। लेकिन लिटिगेशन में जब ये मामला चला गया तो उसके बाद ये डिसीजन लिया गया है कि 530 पोस्टों पर बाद में जो भी फैसला होगा, चाहे वो फेवर में हो या फिर फेवर में ना भी हो, तो इसके अलावा जो है वो देखा जाएगा कि 530 पोस्टों का क्या करना है। लेकिन शुरुआती दौर में जो है वो 1337 की जो हमें रिजल्ट है वो घोषित करने चाहिए और उसका रिजल्ट और इसकी जो नियुक्ति है वो जरूर यहां पर शुरू कर देनी चाहिए। तो यहां पर जो है वो जरूर एक प्रोसेस शुरू हुआ है और लगातार हम भी इस पर आपको अपडेट देते रहेंगे, सरकार पर दबाव बनाते रहेंगे ताकि जो ये डायरेक्शंस है वो जमीनी स्तर पर धरातल पर भी काम आगे यहां पर इस पर काम हो सके। तो आप निश्चिंत रहिए जो 817 के जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि आपकी ये लड़ाई केवल आपकी लड़ाई नहीं है, हजारों ऐसे अभिभावकों की भी लड़ाई है। जो आपके अभिभावक है उनको भी आप पर विश्वास है कि कब जो है आपको नौकरियां लगेगी, कब जो है वो आप आर्थिक रूप से उनकी भी मदद करेंगे। तो आपके इस मुद्दे को लेकर लगातार हम यहां पर उठा रहे हैं और आगे भी जब तक आपकी नियुक्तियों का प्रोसेस नहीं होगा तो जरूर हम आपका सहयोग करेंगे, तो आप निश्चिंत रहिए। और इसके अलावा जो है दूसरे मैटर्स की बात करें एंटिटी भर्ती को लेकर, तो एंटिटी भर्ती को लेकर भी आज क्योंकि शिक्षा सचिव रजनीश उन्होंने आज फिर से अपना कार्यभार जो है वो दूसरी बार संभाल लिया है। पहले भी उनके पास शिक्षा विभाग ही था और उनके कार्यकाल में ही जो है वो एंटिटी भर्ती के प्रोसेस को यहाँ पर शुरू किया गया था। लेकिन आज जरूर जो है वो एंटिटी के लिए एक राहत ये मिली है, एक राहत के संकेत हम कह सकते हैं, क्योंकि जब तक काम धरातल पर नहीं होगा तब तक इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हम ये जरूर यहां पर कह सकते हैं कि आज एंटिटी भर्ती को लेकर जरूर ये संकेत दिए गए कि अब केंद्र सरकार की डायरेक्शंस का इंतजार और गाइडलाइंस का इंतजार नहीं किया जाएगा। अब जो है वो एंटिटी की जो भर्तियां हैं जेबीटी और एंटिटी के डिप्लोमा, जितने भी 2 साल के डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी होंगे उनको इस भर्ती में शामिल किया जाएगा और एंटिटी की जो भर्ती है उसका प्रोसेस जल्द शुरू किया जाएगा क्योंकि यहां पर जरूर ये कहना होगा, क्योंकि सरकार के लिए यहां पर जो है वो भर्तियों के प्रोसेस को करना बेहद जरूरी है और इसलिए जरूरी है क्योंकि इस चुनावी साल में अगर सरकार इन भर्तियों को पूरा नहीं करवा पाई तो इसके बुरे नतीजे जो है वो सरकार को जरूर भुगतने होंगे। और इसीलिए जो है वो यहां पर ये संकेत आज दिए गए कि एंटिटी भर्ती का भी प्रोसेस जो है वो शुरू किया जाएगा। और जो 939 के रिजल्ट की बात करें तो जो है 939 के रिजल्ट को लेकर भी कमीशन को कहा गया है कि जहां जहां पर ये नकल के मामले पकड़े गए थे, जिन तीन बच्चों ने ये नकल की थी उन तीन बच्चों के पेपर को रद्द किया जाए और उन्हें जो है वो कुछ सालों के लिए बर्खास्त किया जाए और बाकी जितने भी छात्र हैं उनके रिजल्ट को घोषित करने को कमीशन को कह दिया है। अब कमीशन जो है इस प्रोसेस को शुरू करेगा। और इसके अलावा जो है यहाँ तो फ्रेंड्स ये कुछ लेटेस्ट अपडेट्स थे इन सभी भर्तियों के मामले में हिमाचल दस्तक टीवी की तरफ से। आई होप जल्दी से जल्दी ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाए और जो हमारे हज़ारों बेरोजगार युवा
घर पर बैठे हुए हैं उन सबको नौकरी मिल जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।